हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर शो सुबह 8 बजे, सामान्य ज्ञान सुबह 9 बजे, रेलवे की रीजनिंग सुबह 10 बजे, मैथ्स मैजिक सुबह 11 बजे, मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो, गुड मॉर्निंग। ए छोरी, कट जा रही है। मत बांधो तुम मुझे, मैं कुछ करना चाहती हूँ। इस जमी से आसमां को मैं अब छूना चाहती हूँ। मैं उड़ना हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे अपना इंपॉर्टेंट शो होता है, जिसके अंदर हम कोई भी न्यूज़ होती है उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और एवरीथिंग, वो सब चीज़ें देखते हैं जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमेशा की तरह आज भी वही करने वाले हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर को देखने वाले हैं और देखेंगे कौन कौन सी न्यूज़ है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उनमें से क्या पूछा जा सकता है, और आखिरी में जाते वक्त 10 क्वेश्चन आपको देखे जाऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। चलिए सबसे पहले उन्हीं 10 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं जो कि मैंने आपको कल दिए थे। काफ़ी बच्चों ने उसके आंसर सही करे हैं, कुछ गलत भी हुए हैं, तो देख लेते हैं कौन से सही और कौन से गलत हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, करंट रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आपको बतानी थी। तो करंट रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होती है रेपो रेट से, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए, एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर जो रिवर्स रेपो रेट है वो कम है, वो ए है। तो इस तरीके से भी आप पिक कर सकते हैं ना, ये भी सिंपल तरीका है। तो 6.25 तो कौन सी है, रेपो रेट है, और 6% क्या है, रिवर्स रेपो रेट है। तो ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा देश शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है? तो यहाँ पे इंडिया, कजाकिस्तान, कारस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सभी तो मेंबर हैं ही, लेकिन ईरान इसका मेंबर नहीं है। तो आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। इंडिया की मॉर्टेलिटी मोर्टेलिटी रेशियो क्या है 2014 से 16 के बीच में? तो अगर मातृ मृत्यु दर की बात करूँ तो भारत ने काफ़ी अच्छा काम किया है और इसको 130 के ऊपर ला दिया है, ठीक है, जिसमें केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। चलिए, तो आपका यहाँ पर जो आंसर होगा वो बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला है कि 6,000 करोड़ का लोन मिला है अपने को, अपने देश को, ताकि भूजल रिचार्ज योजना के तहत, अटल भूजल योजना है ना, जिसके तहत पानी को वापस ऊपर लेके आना है, भूजल स्तर को बढ़िया करना है। तो ये कौन से बैंक से मिला है? ये वर्ल्ड बैंक से मिला है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या है? बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं, कौन से ऐसे एथलीट है जिन्होंने 2017 में सबसे ज्यादा सैलरी उनको मिली है? तो ऐसे प्लेयर जो सबसे ज्यादा सैलरी जिनको मिली है वो कौन है? फ्लॉयड मेवेदर है, जो कि बॉक्सर थे ना बहुत बड़े। तो आपका आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। पीस इंडेक्स 2017 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो एक स्टेप भारत ने रैंकिंग इंप्रूव करी है, 137 से 136 पे भारत पहुंच गया है। तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं, पहला सिंगल वुमेन पेंशन स्कीम कौन से राज्य के द्वारा लॉन्च करी गई थी? तो ये पहली सिंगल वुमेन पेंशन स्कीम की बात करें तो तेलंगाना इसका सही आंसर है, जिसने इसकी शुरुआत करी थी। चलिए आगे देखते हैं, आपको बताना है कौन सा जाइंट जो बड़ा प्लैनेट था जो कि डिस्कवर किया गया था एस्ट्रोनॉमर के द्वारा रिसेंटली, तो उसका नाम था क्लैंट 9b, ठीक है। तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। साथ में 9वां क्वेश्चन था जो कि आपका आखिरी था, कि नेपाल में एक MOU साइन किया गया है 1200 मेगावाट का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसको लेकर, तो ये चाइना के साथ में किया गया था, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे बी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी और उम्मीद है काफ़ी हेल्प भी करेगी। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले हमेशा की तरह कोट ऑफ द डे से, वर्क हार्ड इन साइलेंस लेट सक्सेस मेक द नॉइज, यानी कि आपको हार्डवर्क करना और बिल्कुल साइलेंट होकर करना है, कोई फालतू की बातें नहीं करनी, कोई अपने चीज़ों को एग्जैजरेट नहीं करना है, कोई फालतू किसी से झगड़े नहीं करने, अपना काम साइलेंस हो साइलेंस के साथ में करते रहिए, सक्सेस मेक द नॉइज। अगर आप प्यार से अच्छे तरीके से शांति से अपना काम करते रहेंगे ना, तो आपकी जो सक्सेस है वो नॉइस करेगी, वो दुनिया को बताएगी कि आपने क्या काम किया है, ठीक है। तो इसी तरीके से गाइस पढ़ते रहिएगा, शांति के बिल्कुल मन से अपना ध्यान लगा के पढ़िए और फालतू की चीज़ों में ध्यान मत दीजिए, और आपके सक्सेस को आपका नॉइस करने दीजिए, और आप उस चीज़ का नॉइस बिल्कुल ना करें, आप सिर्फ और सिर्फ साइलेंटली अपनी पढ़ाई करें। चलिए, उम्मीद है आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, द हिंदू के फर्स्ट पेज के ऊपर। देखिए,
फर्स्ट पेज की अगर मैं बात करूँ तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई क्या क्या न्यूज़ है जो आज आई है। पहली तो राजनाथ सिंह जी ने बोला है कि वो सिर्फ और सिर्फ सही लोगों के साथ में जेएनके के अंदर बातचीत करेंगे, फालतू ये जो है ना जो आतंकवादी गतिविधि विरोधी जो लोग आतंकवादी जो लोग हैं ये उनके साथ में कभी किसी भी तरीके से बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है, तो जो कि बम ब्लास्ट या बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे ये बात बोली है, यहाँ पे गए हुए थे क्योंकि जो स्पोर्ट्स के जो लोग हैं जेएनके के उनको वहाँ पे इन्होंने अवार्ड दिए हैं, ओके वो सब। इसके अलावा यहाँ पे प्रणब जी ने कहा है, प्रणब मुखर्जी जो कि अभी आरएसएस की कॉन्फ्रेंस के अंदर गए थे, तो उन्होंने यहाँ पे टॉलरेंस को लेकर बोला है कि ये हमारी देश की मजबूती है। यहाँ पे कथुआ केस के ऊपर बातचीत है, चार्जेस फ्रेम कर दिए गए कथुआ रेप केस के अंदर। इसके अलावा पुलिस ने मैरिजुआना, ठीक है, मैरिजुआना अल्कोहल के साथ में एक पूरा का पूरा ट्रक पकड़ा है। और बारिश हो चुकी है मुंबई के अंदर, बारिश स्टार्ट हो चुकी है, मानसून प्री शार बोलते हैं इसको, मानसून से पहले की बारिश है जो कि यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिक से न्यूज़ थी और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है पेज नंबर 5 के ऊपर। पेज नंबर 5 में है कहाँ से, आंध्र प्रदेश से, ठीक है, क्या है ये देख लेते हैं। देखिए पेज नंबर 5 की बात करूँ तो सिंगापुर साइन 2 MOU विथ आंध्र प्रदेश। तो एक्चुअली मैं आपको बताया कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो जो कि वहाँ के CM है, ठीक है, और इन्होंने क्या किया है सिंगापुर गवर्नमेंट के साथ में कोलैबोरेशन किया है। किस चीज़ को लेकर, अमरावती को डेवलप करने को लेकर। आपको पता है कि अभी तो हैदराबाद है कैपिटल, लेकिन ये अमरावती को डेवलप करना चाहते हैं, मतलब इनका आने वाले टाइम में अमरावती इनकी राजधानी होगी, ठीक है। तो क्योंकि अभी उसको वो बना रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि जो कितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क होगा बाकी काम होंगे ना, तो 2 MOU साइन करें सिंगापुर के साथ में। एक तो है CADA, ठीक है, ये कंसेशन एंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट, और एक है CHA, ये शेयर होल्डर एग्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगापुर अमरावती इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी बनाई गई है जो कि इनके बीच में काम कर रही है, और जल्दी इसका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वहाँ पे बनाएगी। तो आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि अमरावती के डेवलपमेंट को लेकर आंध्र प्रदेश ने किसके साथ में MOU साइन किया है, तो आपको ध्यान रखना है सिंगापुर है वो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं सिंगापुर के इसके अलावा आंध्र प्रदेश की भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। देखिए कुछ सबसे पहले आपको बताइए बेसिक बातें, तो 1956 में इसका फॉर्मेशन हुआ। CM कौन है यहाँ पे, चंद्रबाबू नायडू है। गवर्नर आपको पता है ESL नरहसिम्हन है, ठीक है। कैपिटल मैंने आपको बताया थी प्रेजेंटली हैदराबाद है, लेकिन प्रपोज गया अमरावती है। अब चलिए कुछ और देख लेते हैं, रिवर और डैम देख लेते हैं। कृष्णा नदी है यहाँ पे, डैम बने हुए श्रीशैलम नागार्जुन सागर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। पेपर में इसमें से पूछते हैं श्रीशैलम डैम किसके ऊपर है, तो ये कृष्णा नदी के ऊपर है। इसके अलावा गोदावरी के पोलावरम प्रोजेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धवलेश्वरम बराज है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और बात करूँ यहाँ पे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो ये दोनों ही आपको ध्यान रखना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, नेशनल पार्क भी देख लेते हैं, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा कोरिंगा नेशनल पार्क है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अली सागर डियर पार्क है, ये भी आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुना श्रीशैलम नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट है ही। पुलिकट लेक तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, नेलोर के अंदर है। तो ये सारी जो मैंने आपको बातें बताई आंध्र प्रदेश से आपको ध्यान रखनी है, पेपर में इसमें सवाल आते रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं पेज नंबर 9 की तरफ। पेज नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पे डाटा पॉइंट के अंदर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ओपिनियन के अंदर। यहाँ पे देखिए एक्चुअली कटिंग आउट प्लास्टिक यूज़, तो मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था कि PM मोदी ने इन्वायरमेंट डे के पे एक स्पीच दी थी जिसमें कहा था कि हम है ना दुनिया में प्लास्टिक जो है पर पर्सन कंजप्शन के अंदर पर कैपिटा कंजप्शन जो है ना वो हमारा बड़ा कम है। मैंने आपको बताया था कि 15,000 टन प्लास्टिक, ठीक है, हर दिन हम काम में लेते हैं, अगर 121 करोड़ से डिवाइड करोगे तो नंबर तो कम आएगा ही। और वैसे तो खैर चाइना का भी है वैसे बात करें तो, लेकिन चाइना का ज़्यादा है अपन से। तो अपनी एज कम्पेयर टू प्लास्टिक की बात करें तो अपना ठीक है परफॉर्मेंस, अगर हम पर कैपिटा कंजप्शन एक आदमी जो है ना वो कितनी प्लास्टिक को कंजप्शन करता है ये बातचीत करी गई है। दुनिया में सबसे ज़्यादा है USA, 109 kg प्लास्टिक है USA की, उसके बाद यूरोप है, फिर चाइना, ब्राज़ील और भारत से 11 kg प्लास्टिक है जो कि कंजप्शन है। अब भारत में प्रॉब्लम ये है कि 60-70% तो इसको रिसाइकिल नहीं किया जाता, ठीक है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम, अगर रिसाइकिल हो जाना तो कोई दिक्कत ही ना हो। वर्ल्ड की अगर एवरेज की बात करें तो 28 है, तो भारत का एवरेज पूछ सकते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे चलते हैं पेज नंबर 11 की तरफ। पेज नंबर 11 से जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो एक छोटी सी न्यूज़ है, यहाँ पे छोटी सी न्यूज़ है, और वो क्या है कि वाईफाई लगा दिया गया है 400 रेलवे स्टेशन के ऊपर। कौन, किसने लगाया है, गूगल ने लगाया है, ठीक है। अब एक्चुअली में क्या है कि गूगल ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 2016 से मुंबई सेंट्रल स्टेशन से,
ठीक है, 2015-16 से स्टार्ट किया था। पहले मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ। देखिए, गूगल ने सबसे पहले गूगल स्टेशन बनाने के लिए बोला प्रोजेक्ट 2015 के अंदर, ताकि भारत के अंदर जो वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर, वो उसमें सुधार हो सके। ठीक है, आजकल हमारे देश में आपको पता है ना, पहले इंटरनेट कनेक्टिविटी की बड़ी प्रॉब्लम थी, अब तो थोड़ा सही हो गई है, लेकिन पहले बहुत प्रॉब्लम थी। तो इससे गूगल को फायदा होगा कि एडवर्टाइजिंग बिजनेस बढ़ेगा, और इंडिया को फायदा हो जाएगा कि लोगों की रीच बढ़ जाएगी इंटरनेट की, सर्च इंजन की। तो इस चीज़ को लेकर रेलवे स्टेशन, जहाँ पे बहुत भारी मात्रा में भीड़ होती है, वहाँ पे वाईफाई लगाने की सुविधा प्रोवाइड करी गई गूगल के द्वारा। अब गूगल ने क्या किया, 2016 के अंदर स्टार्ट किया मुंबई सेंट्रल स्टेशन से लगाना, और अभी 400 स्टेशन के ऊपर वाईफाई लगा दिया गया है, फ्री वाईफाई ये है। ठीक है, 400 स्टेशन पर, 400 वाला कौन सा है, डिब्रूगढ़, आसाम के अंदर है डिब्रूगढ़, तो डिब्रूगढ़ के अंदर ही 400 वाला रेलवे स्टेशन है जहाँ पे ये लगा दिया गया है। ठीक है, रेलटेल के साथ में कोलैबोरेशन करके इसको लगाया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा भारत में ही नहीं, इसके अलावा इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, वहाँ पे भी इन्होंने इस प्रोजेक्ट को चला रखा है। ठीक है, ऐसा नहीं दुनिया में भारत के ऊपर ही इन्होंने कृपा करी है, ऐसा नहीं है, अच्छी बात है, मतलब अपना तो फायदा ही है अगर लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ रही है। तो ब्राज़ील हुआ, इंडोनेशिया, वहाँ पे भी ये प्रोजेक्ट लगा हुआ है। और कुछ टाइम बाद एक गूगल का प्रोजेक्ट है, गूगल लून, आपने सुना हो तो अच्छी बात है। गूगल लून प्रोजेक्ट क्या है कि एक बलून, एक गुब्बारा छोड़ा जाएगा सिटी के ऊपर, एक बहुत बड़ा गुब्बारा 10 किलोमीटर ऊपर हवा में उड़ेगा वो। ठीक है, और उस एक गुब्बारा क्या करेगा, पूरी के पूरी शहर को है ना इंटरनेट प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं गूगल लून प्रोजेक्ट। मतलब जैसे कि एक शहर के अंदर 10 लाख लोग हैं, तो अभी तो क्या होता है कि आपको तारे बिछाओ, ये करो वो करो, मतलब 50 चीज़ें होती है ब्रॉडबैंड के लिए, इंटरनेट के लिए आपको वो खड़े करो टावर और ये वो। अब ये क्या करेगा, एक बलून छोड़ेगा ऊपर और पूरा शहर उससे कवर हो जाएगा। ऐसा इन्होंने पहले अभी दूसरे कंट्री में तो एक दो जगह पे ब्राज़ील में तो अप्लाई कर दिया है, अभी इंडिया में भी बातचीत चल रही है। ठीक है, तो इससे हुआ क्या कि एक गुब्बारा और एक शहर, तो ईजिली कनेक्टिविटी बहुत भयंकर बढ़ जाएगी इंटरनेट की। चलिए आगे चलते हैं, आगे तो ये सब मैंने आपको बताई दिया, आगे चलते हैं जर्नी टू मार्क एन इनफेमस इवेंट। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, ये जर्नी टू इम्बार्क एन इनफेमस इवेंट, ये न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट थी, देख लेते हैं क्या है। एक्चुअली में अभी सुषमा स्वराज जी जो अपनी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, ये क्या गई हुई है साउथ अफ्रीका 5 दिन की यात्रा पे ऊपर, जहाँ पे उन्होंने पीटर मर्ज़बर्ग जो है ना, वहाँ पे रेलवे स्टेशन में ट्रेन ली। अभी जो पीटर मर्ज़बर्ग जो रेलवे स्टेशन है, ये वही रेलवे स्टेशन है जहाँ पे गांधी जी को आज से 125 साल पहले ट्रेन के फर्स्ट कंपार्टमेंट से निकाल दिया गया था, ये बोल के कि आप वाइट नहीं हो। ठीक है, उसी के बाद में बर्थ हुआ सत्याग्रह का, और उसी के बाद में साउथ अफ्रीका के बाद में भारत में इतना बड़ा आंदोलन गांधी जी ने चलाया। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पे बातचीत हुई है, और 125वीं वो है पूरी सेरेमनी है उस इवेंट की, और यहाँ पे ठीक है इसी को उसी के बाद में क्या हुआ, बर्थ ऑफ सत्याग्रह हुआ। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई, साथ में 100वां बर्थ एनिवर्सरी नेल्सन मंडेला की भी है, और साथ में 25 साल हो गए डिप्लोमेटिक रिलेशन को भारत और साउथ अफ्रीका। तो 2-3 इवेंट है जिस वजह से यहाँ पे सुषमा स्वराज जी गई हुई है और यहाँ पे बातचीत हो रही है। वो दिन क्या था, 7 जून था वो दिन, मैं आपको बता देता हूँ, पेपर में पूछ लिया जाए तो बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि ये जिसने दुनिया का इतिहास ही बदल दिया इस दिन ने, 7 जून 1893। ठीक है, आज ही का 7 जून है, आज 8 तारीख है, आज 8 है ना, तो 7 जून कल की डेट थी वो, और 1893 का वो दिन था, दिवस था जिस दिन ऐसा महात्मा गांधी जी को, जो कि एक यंग लॉयर थे, फर्स्ट कंपार्टमेंट में ट्रैवल कर रहे थे, और पीटर मैट्सबर्ग स्टेशन से उनको सीट पर से छोड़ने के लिए बोला गया, उन्होंने मना किया तो उनको बाहर फेंक दिया गया, उसके बाद में पूरी दुनिया का इतिहास ही बदल गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे चलते हैं, साउथ अफ्रीका के बारे में भी जान लेते हैं। साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी है, ये आपको पता होना चाहिए, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव अलग अलग है। प्रिटोरिया जो है वो एग्जीक्यूटिव है, और ब्लोमफोन है वो जुडिशियल है, केप टाउन वो लेजिस्लेटिव है, सबसे बड़ी सिटी है जोहान्सबर्ग, ये तीनों ध्यान रखनी है, राजधानी है वहाँ की अलग अलग। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ प्रेसिडेंट कौन है, तो साइरिल रामाफोसा है, डिप्टी मापुसा है, और यूनाइटेड किंगडम से इसको इंडिपेंडेंस मिली थी, करंट कॉन्स्टिट्यूशन 1997 में इसको बनाया गया है। चलिए, तो ये साउथ अफ्रीका है, आप देख सकते हैं इसके जो नेबरिंग कंट्रीज, वो नामीबिया, बोस्तवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, स्वाजीलैंड है ये, स्विट्जरलैंड मत समझ लेना इसको, ये मत समझना कि स्विट्जरलैंड तो सर यूरोप में था, स्विट्जरलैंड यूरोप में, स्वाजीलैंड अलग है। ठीक है, दोनों अलग देश है। तो ये साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका प्रिटोरिया है। ठीक है, और इसकी एक एरा पिट्सबर्ग जहाँ से गांधी जी को निकाला गया। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है, पेपर में कई बार पूछते रहते हैं। चलिए, ये दूसरी वाली राजधानी है। ठीक है, ये दूसरी वाली है, इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग 3 अलग अलग राजधानी जो कि बनाई गई है।
चलिए आगे चलते हैं और पेज नंबर 13 की बात करते हैं। पेज नंबर 13 पे बात करें, हाँ एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए अक्सर अगर आप किताब में या गूगल पे सर्च करोगे कि सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, तो आपको केप ऑफ गुड होप मिलेगा। एक मूवी आई थी 2012 पता नहीं, जिसमें प्रलय को लेकर, उस मूवी की हॉलीवुड मूवी थी, बड़ी फेमस थी, उसमें भी ये बताया गया था कि जो लोवेस्ट पॉइंट है केप ऑफ गुड होप है ना अर्थ का, तो वो है ना वो सबसे ऊपर बन चुका है। तो ये गलत बात है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। अगर आपसे केप ऑफ गुड होप पूछा जाए सबसे लोवेस्ट जो पॉइंट है, तो ये वो नहीं है। अगर मैं बात करूँ सबसे लोवेस्ट की, अगर सबसे, तो केप अगुलास है। सबसे फेमस कौन सा है, वो केप ऑफ गुड होप है, लेकिन केप अगुलास है जो कि सबसे नीचे है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अक्सर गूगल करोगे तो आपको आंसर ये मिलेगा, लेकिन ये है नहीं, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, केप अगुलास। चलिए आगे चलते हैं पेज नंबर 13 की तरफ। पेज नंबर 13 में क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इनफ्लो और एफ्लो जो है उसकी बात करी गई है, आउटफ्लो की। एक्चुअली में क्या हुआ है कि भारत में FDI कम हुआ है। 2017 की बात करें तो FDI तो भारत में थोड़ा सा कम हो गया है। दुनिया में भारत की 10th रैंकिंग है। अगर मैं भारत के FDI का मतलब क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेश से जो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट होता है ना हमारे यहाँ पे, उसको कहते हैं FDI, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज बाकी के हिसाब से हमारे थोड़ा सा कम हो गया है 2017 के अंदर, और $40 मिलियन है ये देख सकते हैं आप। लेकिन आउटफ्लो बढ़ गया है, जो हम यहाँ से बाहर की तरफ जो जा रहे हैं ना वो बढ़ गया है, ठीक है। तो 2% इसके अंदर इंक्रीमेंट हो गया है। इनफ्लो थोड़ा कम है, लेकिन आउटफ्लो थोड़ा ज़्यादा थोड़ा सा हो गया है। तो ये थोड़ा अच्छी बात भी है, थोड़ा सा गलत भी है, दोनों ही चीज़ें आपके सामने हैं। तो थोड़ी सी न्यूज़ थी जो कि मैंने डिस्कस करी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इसमें। 14 पेज नंबर 14 की बात करें, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे नीति आयोग ने यूनाइटेड नेशंस इंडिया बिजनेस फोरम के साथ में कोलैबोरेशन किया है ताकि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा मिल सके। तो आपसे पूछ सकते हैं कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने हाथ मिलाया है यूनाइटेड नेशन इंडिया बिजनेस फोरम के साथ में, और नीति आयोग ने हाथ मिलाया है ताकि जो जेंडर डिस्पैरिटी है ना स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टमेंट में, क्या होता है कि फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को कम वो मिलती है, ठीक है, एक तरीके की बात करें जाए तो इम्पोर्टेंस, लेकिन उस चीज़ को कम करने के लिए हाथ मिलाया गया है। और ठीक है, इसको उम्मीद है कि इकोसिस्टम जो है ना वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस के अंदर उसको बढ़ाया जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसके ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो यहाँ पे हेडलाइन थी वही आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और ये आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। चलिए आगे चलते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। पेज नंबर 15 पे इंपॉर्टेंट है कि कोहली जी को मिला है पॉली उमरीगर अवार्ड। तो BCCI ने अवार्ड अनाउंस कर दिए हैं, ठीक है, 16-17 के 17-18 के BCCI अवार्ड हम इनको कहते हैं। इसमें कई डिफरेंट कैटेगरीज में अवार्ड मिलते हैं BCCI अवार्ड। आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पॉली उमरीगर अवार्ड था इंपॉर्टेंट, जो कि कैप्टन इंडियन टीम के विराट कोहली जी को मिला है। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ 16-17 और 17-18 दोनों सेशन के लिए मिला है, 16-17, 17-18 के लिए, ठीक है। इसके अलावा वुमेन इंटरनेशनल बेस्ट प्लेयर, अगर इंटरनेशनली कौन से वुमेन क्रिकेटर को अवार्ड मिला है, तो 2016 का जो है ना 16-17 वो तो हमनप्रीत कौर को मिला है, हमनप्रीत को मिला है। 17-18 की बात करूँ तो ये मिला है स्मृति मंडाना है, उनको मिला है 17-18 का इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन का प्राइज, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, वो पंकज रॉय को मिला है। वुमेन में डायना एडलूजी को मिला है। स्पेशल अवार्ड मिला है अब्बास अली बेग को, ठीक है। तो ऐसे कुछ एक अवार्ड से जो कि आपको ध्यान रखना है। मेजरली ऊपर के जो 4 अवार्ड है जो मैंने आपको बताया, कोहली वाला, वुमेन वाला, साथ में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वाला, तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके ज़्यादा कुछ आपको ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप। एक एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने $1 मिलियन का प्राइज जीता है सेफ्टी डिवाइस को लेकर। लेकिन निर्भया कांड होने के बाद में पूरे देश में काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी सेफ्टी को लेकर, आपको पता है। तो एक कंपनी थी जिनका नाम था लीफ वेरिएबल्स, ठीक है। लीफ वेरिएबल्स ने किया क्या है कि ऐसे कपड़े बनाए हैं जो कि आप पहन सकते हो, और साथ में उनमें डिवाइसेस लगे हुए हैं सेफ्टी को लेकर। अगर आप उनको प्रेस करोगे तो इमीडिएटली क्या होगा, आपको इमरजेंसी सेवा आपको मिल जाएगी। तो 85 टीम यहाँ पे आई हुई थी, यूनाइटेड नेशंस का ये एक वो था यूनाइटेड नेशंस के वहाँ पे, तो जिसके अंदर सभी के डेमो दिए गए, 18 कंट्री से रिप्रेजेंटेशन था। और इंडियन टीम ने यहाँ पे जो कि IIT और DIIT से बिलोंग करती है स्टूडेंट थे, इसके अंदर उन्होंने सेफर प्रो के लेकर, प्रोजेक्ट का नाम है सेफर प्रो, तो यहाँ पे उस चीज़ को लेकर प्राइज यहाँ पे जीत लिया। तो देख ही सकते ना यहाँ पे घड़ियाँ एक तरीके की, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरीके के इन्होंने डिवाइसेस बनाए जिससे काफ़ी बेनिफिट सोसाइटी को हो सकता है। तो गाइज ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, साथ में कुछ एक दो और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आपके PIB से
या फिर आपके इकोनॉमिक टाइम से बाकी से थे, तो उनको भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। देखिए, एक तो न्यूज़ ये है कि एक तो आईटी और लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद है, उन्होंने बुक रिलीज करी है, भगत सिंह जेल डायरी बुक, न्यू दिल्ली के अंदर। जो भगत सिंह ने जो जो चीज़ें लिखी है ना, उनका कंपाइलेशन है, उनको मिला के एक किताब लिखी है। पूछ सकते हैं पेपर में किसने इसका इनॉग्रेशन किया, तो इसका इनॉग्रेशन करने वाले कौन थे, लॉ मिनिस्टर रवि शंकर, जो आईटी और लॉ मिनिस्टर ना, मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, उन्होंने इसको रिलीज किया, ये बात आपसे पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, पाकिस्तानी ब्रिटिश राइटर है कामिला शैमसी, उन्होंने इंटरनेशनल वुमेन प्राइज जीत लिया है। अब ये इंटरनेशनल वुमेन प्राइज की बात करूँ तो इन्होंने ये किताब थी होम फायर, ठीक है, यूके का प्राइज है जो कि वुमेन को दिया जाता है, तो होम फायर नाम की ये किताब है जो कि जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है, कामिला शैमसी को, ठीक है। शैमसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे पूछ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला पुरस्कार किसने जीता है। तो ये था गाइज आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि कल का था, आज के न्यूज़ का, आज का जो आपका द हिंदू है, आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपने सब कुछ कवर अप किया है, और इस तरीके से पढ़ते रहिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर हमेशा की तरह करते रहें, और जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं किसी को पढ़ाते रहें ताकि दूसरों का भी बेनिफिट होता रहे। हमेशा की तरह 10 क्वेश्चन देके जा रहा हूँ गाइज, उम्मीद है आप उसको सही करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका कि अमरावती को बनाने के लिए आंध्र प्रदेश ने किसके, कौन से देश के साथ में MOU साइन किया है, सिंपल सा है। आगे चलते हैं, भारत का पर कैपिटा कंजप्शन प्लास्टिक प्रोडक्ट के अंदर कितना है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो कि गूगल वाईफाई प्रोवाइड कर रहा है रेलवे स्टेशन पे, तो उसकी शुरुआत कौन से रेलवे स्टेशन से हुई थी, ये आपको बताना है। दक्षिण अफ्रीका में किस स्टेशन से गांधी जी को फेंक दिया गया था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूनाइटेड इंडिया बिजनेस फोरम और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने साथ में हाथ मिला है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने को लेकर। किसको इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेटर 2017-18 का BCCI अवार्ड मिला है, ये आपको बताना है। कौन से पर्सन है जो कि हेड करेंगे ग्रुप को जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने को लेकर बातचीत कर रहे हैं, भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में नीति का अध्ययन करने के लिए किसके समूह का नेतृत्व कौन करेगा। तो ये थोड़े एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स की बातें हैं जो कि क्वेश्चन अपन दो चार देख लेते हैं, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, चलते हैं आगे देखते हैं। आगे ये है कि कौन सी कमेटी का रिकमेंडेशन है कि RBI सेटअप करे पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री ताकि चेक कर सके लोन डिफॉल्टर्स को जो लोन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये एक फ्यूगो नाम का ज्वालामुखी है वो किस देश में से उभरा है, यह आपको बताना है। और साथ में ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, कौन सी IIT ने वो किया है, इंस्टीट्यूट ने डिस्प्लेस किया है IIT दिल्ली को एज ए बेस्ट रैंक इंडियन यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। कौन से IIT इंस्टीट्यूट ने डिस्प्लेस कर दिया है IIT दिल्ली को एज ए बेस्ट रैंक इंडियन यूनिवर्सिटी, ये आपको बताना है। तो ये आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उम्मीद है आप इस तरीके से पढ़ते रहेंगे और अपने प्रिपरेशन को शार्प करते रहेंगे। 5 मिनट वोकैबुलरी क्लास भी आपके लिए स्टार्ट होने वाली है, साथ में बायोलॉजी आपकी चल रही है रेलवे के लिए 9:00 और CGL CPO के लिए 7:00, तो उनको भी देखते रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। ए छोरी, कट जा रही है। मत बांधो तुम मुझे, मैं कुछ करना चाहती हूँ, इस जमी से आसमां को मैं अब छूना चाहती हूँ, मैं उड़े